ये क्या चीज़ है? डॉक्टर को पेश करो, कातिल को पेश करो। डॉक्टर को पेश करो, कातिलों को पेश करो, कातिल डॉक्टरों को पेश करो, एडमिनिस्ट्रेशन को पेश करो, SKIMS हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। मेरा नाम बिलाल अहमद वानी है, हम गासो हजरबल से हैं। यहाँ पे हम SKIMS इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एक पेशेंट यहाँ पे मोमिन शफी, जो मेरा कजन ब्रदर है, हमने यहाँ पे इनको लाया था, इनको फीवर था और वोमिटिंग हो रही थी। यहाँ पे हमने इनको यहाँ पे लाया, एडमिट किया यहाँ पे इमरजेंसी सेक्शन में। ये कार्ड आप देख सकते हैं, इमरजेंसी सेक्शन में इनको बताया, ट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट इफेक्ट ना होने के बाद थोड़ा फर्दर ट्रीटमेंट किया गया। ये 4 घंटे ये प्रोसेस चला। हम उन डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे थे, आप बताओ क्या मसला है, फ़र्क क्यों नहीं हो रहे। वो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप किए, आप बेफिक्र रहो, ये ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जब उनको लगा कि कोई नहीं, क्रिटिकल है, क्रिटिकल के से पहले उन्होंने कहा कि इनको OPD ले जाओ। डाइक्लोफेनिक ये आप दिखा रहे हैं, डॉक्टर खुद लिख रहे हैं कॉज ऑफ डेथ में लिख रहे हैं कि शॉक ड्यू टू डाइक्लोफेनिक, एक्सेस अमाउंट में दिया गया होगा। अब हम इसको नहीं जानते मेडिकल साइंस। अब यहाँ पे देखिए, डाइक्लोफेनिक यहाँ पे इनको ड्रिप लगाई दी गई है, तीनों इंजेक्शन। 18 ईयर्स ओल्ड था ये, रिजल्ट लीनर 12th क्लास एग्जाम्स अपेयर किए हैं इनके साथ। देखिए आप इनके साथ क्या हो, यहाँ पे हमारे साथ नहीं, पूरी सोसाइटी के साथ यही होता होगा। अब हम ये डिमांड कर रहे हैं उस डॉक्टर की वो उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यू डिलिजेंस है, ये डॉक्टर्स की नहीं है। और उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये ऐसे कोई है, कोई स्कैम तो नहीं है, ये इनकी डेथ सर्टिफिकेट है। यहाँ पे दिखा रहे हैं कार्डिक अरेस्ट तो लास्ट में हुआ था, फाइनल डाइक्लोफेनिक एक्सेस अमाउंट में देकर कार्डिक अरेस्ट हो गया था। 4 घंटे से इन्हें यहाँ पे घुमाया। अब पेशेंट तो इतना क्रिटिकल नहीं था, मेरे अंकल ने जो इनके पापा है मोहम्मद शफी मानी, उन्होंने इनको अकेले ही यहाँ लाया था इंस्टीट्यूट। जो भी सोसाइटी है, जितने भी इस हॉस्पिटल के साथ अटैच हैं, हमारी ये है कि हम कुछ भी होता है कि हम यहाँ पर आते, उम्मीदें जुड़ी हैं इस हॉस्पिटल के साथ, सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं। कुछ भी होता है कि हम यहाँ आते हैं कि ट्रीटमेंट अच्छा पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन देखिए आप, मुझे तो लगता है ये SKIMS इंस्टीट्यूट है, अब ये एनिमल हस्बेंड्री से भी बदतर है। एनिमल हस्बेंड्री में भी तो केयर होती है थोड़ी सी। आप यहाँ देखिए इस पेशेंट के साथ हुआ क्या है। हाँ, अब हम ये उस डॉक्टर को हमें नजर ही नहीं आता है, वो डॉक्टर कहाँ, डिमांड कर रहे हैं उस डॉक्टर को हमें दिखाइए, उसकी शक्ल दिखाइए। एडमिनिस्ट्रेटिव बेचारे सोए हुए हैं, बाफू मोमिन साहब का फिर उसमें थोड़ा फीवर था घर में, मैंने उसको वहाँ से उठाया, मैंने उसको बोला था लोकल डॉक्टर के पास जाऊँ, मेरी बीवी ने बोला था यदि हम सोरा ले जाएंगे उसको वहाँ चेकअप हो जाएगा थोड़ा सा, फिर वो ठीक हो जाएगा। फिर हमने चाय भी साथ सब वो बातें करा हमारे अच्छी तरह से। जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने ट्रीटमेंट क्या किया था, उन्होंने एक्सरे लिखा था, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा था, मगर पहले उसकी कंडीशन देखनी थी, उसके हिसाब से उसको पहले ट्रीटमेंट करना था। उसके बावजूद चलो ये करो वो करो, और उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं। फर्स्ट इमरजेंसी में, फर्स्ट रूम में उसके पास में जब गया था ये लेकर, मैंने उसको बोला था इसको ट्रीटमेंट करना, मैंने उसको ये दिखाया था ये कार्ड। जब उसने देखा था कार्ड, उनसे बोला था वो कोई बात नहीं, उसको ले जाओ 163 OPD में, वहाँ डॉक्टर साहब है वो उसको खुद देखेगा। ये वो डॉक्टर बोला जो उनका सर्जन था यहाँ एमरजेंसी में। इसके बाद मैं वहाँ गया था, वहाँ बहुत लाइन लगा था, कम से कम सैकड़ों औरतें थे, ममारत थे। मैंने बोला था कब मैं वहाँ बारी पहुँचूँगा, मेरी बारी कब आएगी। मैंने उनको हाथ जोड़ा था मेहरबानी करके, मेरे बच्चे को बचा, उसकी हालत नाजुक हो गई थी। उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, देता उसको कार्ड निकाला था मैंने, वो कार्ड तो अंदर ही है, कार्ड दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट जो वहाँ था डॉक्टर, उस कमरे में गया, वहाँ तो हमें नंबर लिखना था कब टाइम आएगी ट्रीटमेंट करने के लिए। वहाँ बोला था उन्होंने 10 दिन के बाद उस बच्चे को यहाँ ला, तब उसके ट्रीटमेंट होगा। क्या उस हालत में जब मैं वहाँ रो रो कर वापस आया था, फिर मैं वापस एमरजेंसी में उनको बोला था इसको क्या हो गया ये, अब क्या। फिर मैं गया कंट्रोल रूम में जब गया था उधर, डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया दूसरे डॉक्टर को, और डॉक्टर साहब यही ऐसी हालत पेशेंट है, उसके साथ बात करते करते ही उसकी हालत नाजुक हो गई बाहर से। तो फिर हमने उसको जब देखा था तो उसको अंदर ले गया एमरजेंसी में। कितने बजे उसकी डेथ हो गई क्या पता था उसमें, मुझे ध्यान कहाँ था, एग्जैक्ट याद नहीं। उसी के दरमियान डेड बॉडी आपने ले ली है? हाँ ले ली। फिर मैंने
यहां कंट्रोल में मैं बॉडी से नहीं वो डेड बॉडी अभी नहीं दे रहा नहीं दे रहा नहीं दे रहा मैंने उनको बोला था अगर एफआईआर काटना है पुलिस को मैंने बोला था अगर एसएचओ साहब था वो आए थे उन्होंने हमने उनको बुलाया था वो यहां मैंने उनके उन्होंने बोला था कोऑपरेट किया उन्होंने बोला था अगर हम इसको एफआईआर काटेंगे तो फिर उसको पोस्टमार्टम करना है मैंने उसको बोला था साहब मेहरबानी करो ये छोटा बच्चा है ये हमारा बेटा मरा है किसी का बेटा नहीं क्योंकि सबको अपना ही बेटा समझना अब वो मरा है क्या फायदा अगर हम उसको ज्यादा इज्जत देंगे तकलीफ देंगे तो फिर वहां ले जाएंगे तो फिर उसको ऐसा नहीं हुआ अगर ऐसा हुआ था फिर उसको एफआईआर नहीं काटा आपकी डिमांड क्या है मेरी डिमांड है उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन कि किसी के साथ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा बेटा आज मरा था फिर कल दूसरे का कल क्योंकि यहाँ हजारों पेशेंट आते थे उनके साथ अगर यही सलूक हुआ था तो फिर ये डॉक्टर्स इस अपनी इस जो ये करते थे आवाज नहीं आएगी वो आप वो डेड बॉडी बाजी नहीं दे रहे बोला हमने एफ आई आर काटा था आप डीसी साहब से लिख के लाओ हमें एफ आई आर मैंने नहीं काटा उन्होंने लिखा था खाली मगर मैंने उनको साथ बोला था अगर पोस्टमार्टम पर बाजी पड़ गई तो फिर मुझे इसको एफ आई आर जरूरत नहीं है अगर इसके बगैर उसके बगैर कार्रवाई होगी तो करना है अगर नहीं तो फिर ये आप जाने वो जाने क्योंकि मुझे मैं गांधरबल में रहता हूँ मेरी वहाँ पे मदर इन लॉ एडमिट थी तो हमारा बेड जो था वो दरवाजे के सामने था जहाँ पे डॉक्टर देखे वहीं पे था तो जो इसकी माँ थी मैं वहीं पे देख रहा था जो इसको इसकी माँ थी वो उसको सुबह से वहाँ से यहाँ से ला रही थी वो डॉक्टर से कह रही थी उसका कुछ करो वो कह रहे कोई बात नहीं टेंशन मत लो ये टेंशन मत लो इसका कुछ मसला नहीं है फिर मैंने ऐसे दो तीन बार इसकी माँ को बेड मतलब वहाँ से यहाँ से लाते हुए देखा फिर कुछ टाइम के बाद जब इसकी माँ ने चीखना इसको लगा कि इसको कुछ हो गया तो फिर उसकी माँ ने चलाना शुरू किया फिर एक सरदर्दी आया उसने इसका ये पल्स चेक किया तो फिर उसको लगा कि इसकी हालत ये क्रिटिकल है तो फिर उसको वो वहाँ ले गए एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले गए फिर कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई तो फिर मुझे ये कहना है कि डॉक्टर ने उसको केयर नहीं किया है अल्लाह खुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ये कहता हूँ मैं उनको नहीं जानता हूँ तो फिर डॉक्टर ने उनको केयर नहीं किया है मैं देख रहा था नहीं इसको कुछ करो इसको नहीं ये डॉक्टर ये कुछ नहीं ध्यान ही नहीं दे रहे तो आपको मानना है कि ये डॉक्टरों की लापरवाही जी 100% जी 100%